हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे सिलेक्ट कमांड के साथ आप इन और बिटवीन कमांड को कैसे यूज करते हो। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सिलेक्ट यूज होता है टू रिट्रीव द डेटा, कि आपने डेटा तो स्टोर कर लिया टेबल में, अब जब उसे फेच करना है, जब हमें उसको अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली लेके आना है, निकालना है टेबल में से, तो हम सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा रिट्रीवल कमांड, जो कि वैसे डीएमएल का पार्ट है। हमने उसमें देखा था कि हम कंडीशंस कैसे दे सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, सब कुछ कैसे चेक होता है, और जब आपको कंडीशंस को कंबाइन करना हो तो आप एंड या और लगा के कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हो, राइट? अब उसके साथ और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कंडीशंस हम और बहुत सारे तरीके से चेक करते हैं, जैसे कि एक है इन और एक है बिटवीन। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे। सो आज हम इन और बिटवीन करेंगे। उससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ डज दिस वर्क, और फिर हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है? अब ये जो दोनों क्लॉजेज हैं इन और बिटवीन, इनका पर्पस क्या होता है? जैसे बिटवीन नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ यूज टू चेक इन अ रेंज। अगर आपको देखना हो कि एक कॉलम किसी रेंज के अंदर है या नहीं, तो हम वहाँ पर बिटवीन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन कहा जाए कि डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स who have scored between 60 to 80, ठीक है? अब जो पिछली बार हमने किया था उसके अकॉर्डिंगली अगर आप आंसर लिखोगे, सो यू विल बी राइटिंग समथिंग लाइक दिस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर वॉट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर marks greater than equal to 60 and marks less than equal to 80, है ना? ऐसे ही लिखेंगे कि marks जो है मेरे वो 60 से ज़्यादा हो या equal, या 80 से कम हो या equal। तो अगर आपके पास यहाँ पर तीन students हैं जिसमें से एक के marks हैं 65, एक के marks हैं 72, एक के हैं 80, और मान लो एक और है जिसके हैं 92, ठीक है? अब हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा शो होगा। सो पहले मार्क्स है 65। अब 65 60 से बड़ा है? यस, ट्रू, 65 60 से बड़ा है। क्या वो 80 से छोटा है? यस, ट्रू। सो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, 60 से बड़ा भी है, 80 से छोटा भी है, तो यस इट इज़ ट्रू, वो 65 को शो कर देगा। नेक्स्ट आया 72, क्या वो 60 से बड़ा है? हाँ, ट्रू। 80 से छोटा है? यस, वो भी ट्रू है, तो 72 भी प्रिंट हो जाएगा। अब आया 80, क्या वो 60 से बड़ा है? यस, 80 से छोटा नहीं है, लेकिन लेस देन इक्वल टू लिखा है, 80 के इक्वल तो है, तो वो भी ट्रू है, वो भी शो हो जाएगा। 92, 60 से बड़ा है? यस, पर क्या वो 80 से छोटा है? नहीं, इक्वल है? नहीं, सो सेकेंड कंडीशन इज फॉल्स। और एंड हमने किया था कि अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो पूरा रिजल्ट आपका यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, सो 92 को वो शो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आपके पास कोई वैल्यू होती जो 60 से कम होती, तो 56 ग्रेटर देन 60 फॉल्स होता, लेकिन 56 लेस देन 80 तो ट्रू है, तो पहला फॉल्स होता, दूसरा ट्रू होता, तो भी पूरा रिजल्ट फॉल्स है, 56 भी शो नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एंड हियर। सो मार्क्स 60 से 80 के बीच में होने चाहिए, उसके लिए हमें क्या कंडीशन लिखनी पड़ रही है कि मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80। सो इतनी बड़ी कंडीशन बनी आपकी, ठीक है? अब यही सेम कंडीशन अगर मुझे बिटवीन से लिखनी है, सो आई विल बी राइटिंग वेयर मार्क्स बिटवीन, ठीक है? वेयर मार्क्स बिटवीन 60 एंड 80, दैट्स इट, ठीक है? ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया उससे, इट्स कॉम्पैक्ट इन कंपेरिजन टू द अपर वन, इट्स ईजियर टू राइट, ईजियर टू अंडरस्टैंड, कि आपके जो मार्क्स हैं वो 60 एंड 80 के बीच में होने चाहिए। 60 और 80 इंक्लूसिव होता है, मतलब 60 के इक्वल हुआ तो भी शो करेगा, 80 के इक्वल हुआ तो भी शो करेगा, दोनों के बीच में कुछ भी हो, 61, 62, 63, सो ऑन अप टू 79, कुछ भी होगा, इट विल बी ट्रू, इट विल शो दैट। बट अगर वो इस रेंज से बाहर है तो वो शो नहीं करेगा। समझ आ गया?
मैं भी प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए हम चलते हैं अपने टर्मिनल पर। दिस इज़ योर माई एस क्यू एल। सो मैंने देखा कि मेरे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। सो वी राइट शो डेटाबेसेस। सो आई हैव ऑल दीज डेटाबेसेस। इसमें से लेट से मैं उठा लेती हूँ कंपनी। कंपनी को उठाना है तो क्या लिखेंगे? यूज कंपनी, ठीक है। कंपनी चेंज हो गया, मुझे याद नहीं है कि इसमें एग्जैक्टली कौन से टेबल्स हैं, तो आई राइट शो टेबल्स। देन आई हैव गॉट एम्प। देखते हैं एम्प में क्या है। सो आई राइट एक ही रिकॉर्ड है, ले एक रिकॉर्ड पे क्या कंडीशन लगाएंगे, है ना। सो एक रिकॉर्ड पे तो हम क्या ही कंडीशन लगाएंगे। सो हमें चाहिए थोड़े से ज़्यादा रिकॉर्ड्स ताकि कंडीशन तो लग सके। सो लेट्स गो फॉर क्लोदिंग एंड लेट्स सी व्हाट टेबल्स आई हैव इन दिस एंड लेट्स सी व्हाट डेटा आई हैव इन प्रोडक्ट। सो यस, फिर भी कुछ है, चलो इस पे चला के देखते हैं। सो प्राइस है 20, 15, 25। मान लो मैं इसमें कहती हूँ कि मुझे 18 से 20 तक के बीच में या 10 से 20 तक के बीच में देखना है, ठीक है। तो आपकी एक क्वेरी क्या हो सकती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 20। सो 25 को छोड़ के बाकी सब शो हो रहे हैं क्योंकि वो 10 और 20 के बीच में लाए करते हैं, है ना। अब आप क्या करोगे, आपको दूसरी कंडीशन जो लिखनी है उसमें क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह हट जाएगा। वील हैव प्राइस बिटवीन 10 एंड 20, सिमिलर रिजल्ट यू विल गेट। तो आप ऊपर वाली क्वेरी लिखो या बिटवीन से करो, आंसर सेम आएगा, बट टोटली आपके ऊपर है। एज अ कोडर आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर हमें एक ही कॉलम की रेंज चेक करनी है तो बिटवीन इज मोर रिलायबल। रिलायबल तो खैर दोनों ही है, बट इट इज़ ईजियर टू यूज़, ईजियर टू राइट, ठीक है। इसमें आप नॉट भी लगा सकते हो। अगर मैं आपको कहती हूँ कि 10 और 20 के बीच वाले नहीं चाहिए, बाकी के चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, प्राइस नॉट बिटवीन 10 एंड 20। सो इफ़ यू डू दिस तो आपके पास सिर्फ वो 25 वाला आ गया फुल स्लीव शर्ट, क्योंकि प्राइस 10 से 20 के बीच में नहीं है। सो उल्टा करना हो तो हम सिर्फ उसके साथ नॉट लगा सकते हैं। सो जब भी ऐसा कुछ भी कंडीशन हो, जैसे आपको अब PID वाले देखने हैं 103 से या 102 से 103 तक कुछ भी, तो आप PID पे भी कंडीशन लगा सकते हो। सो जहाँ पे भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वी कैन पुट कंडीशंस ऑन दैट, ठीक है। जैसे इसमें और टेबल्स क्या थे, कस्टमर है, कस्टमर में देखें क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, वी हैव ओनली वन रिकॉर्ड, ठीक है। सो जहाँ पे भी आपके पास रिकॉर्ड्स, या तो हम इंसर्ट करके कंडीशंस लगा सकते हैं, बट एनी हाउ आपको बिटवीन समझ आ गया कि बिटवीन का मतलब है एक रेंज के बीच में काम करना। सो व्हेन वी आर वर्किंग ऑन अ रेंज देन वी यूज बिटवीन। ओके फाइन, नेवर माइंड। नेक्स्ट हमारे पास है इन। अब इन कमांड क्यों यूज होती है, जब आपको कंडीशंस चेक करनी हो और आपको एक ही फील्ड के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज को इक्वालिटी चेक कराना हो। सो व्हेन अ सिंगल कॉलम हैज टू बी मैच्ड विद मल्टीपल वैल्यूज, जो कि ऑब्वियसली एक रेंज में नहीं है, क्योंकि अगर वो एक साथ होती, एक रेंज में होती, तो बिटवीन से हो जाता। जैसे 10 के बाद 13 है, उसके बाद 18 है, ऐसा नहीं है कि 10 से 18 सारे ही लेने हैं, लेकिन 10 लेना है, फिर 13 लेना है, फिर 18 लेना है, एक रेंज में नहीं लेने, बीच बीच में से वैल्यूज हैं, लेकिन इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूज़ होता है इन। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन कहा जाता है कि डिस्प्ले द प्रोडक्ट विद ID 102 एंड 105, ठीक है। अब इसकी क्वेरी आपने क्या लिखी, आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर PID इज इक्वल टू 102, एंड नहीं आएगा और आएगा, और PID इज इक्वल टू 105, कि या तो मेरे PID की वैल्यू 102 हो या फिर PID की वैल्यू 105 हो, क्योंकि 102 है तो कुछ और नहीं हो सकती। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगी, अगर ये ट्रू हुई तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगी, तो एंड नहीं आएगा और आएगा, ताकि दोनों में से एक भी ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा और वो उस रो को शो करेगा, ठीक है।
यही सेम चीज़ अगर आपको इन से करनी है सो आप क्या करोगे, यू विल राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर वेयर PID in 102.105. सो PID in जितनी मर्जी वैल्यूज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एनी नंबर ऑफ वैल्यूज आउट हियर, कितनी मर्जी लिखो, वो चेक करेगा कि ये कॉलम इनमें से किसी भी एक के अगर इक्वल है, किसी भी एक के इक्वल है तो क्वेरी का आंसर ट्रू होगा, अगर इनमें से किसी के भी इक्वल ना हुआ तो क्वेरी का आंसर फॉल्स होगा. जैसे यहाँ पर हमने वापस वही प्रोडक्ट टेबल ले लिया, ठीक है. सो आई राइट हियर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, क्या नाम था, अच्छा इट वॉज क्लोदिंग, सो यूज क्लोदिंग, सो इट वॉज प्रोडक्ट. सो ये आपके पास है, मेरे को इसमें 102 और 104 वाला देखना है. सो आई राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर PID in 102.104, ठीक है. सो ये सिर्फ किसको शो करेगा, लॉन्ग स्कर्ट दैट इज 102 एंड ट्राउजर विच इज 104, जहाँ पे मैच होगा. 101 पे मैच नहीं होगा उसको शो नहीं करेगा, 103 पे मैच नहीं होगा क्योंकि वो इस लिस्ट में नहीं है तो उसको भी शो नहीं करेगा. सो इट विल कम लाइक दिस, ठीक है. अगर इनको छोड़ के दूसरे देखने हैं तो आप कर सकते हो नॉट इन, जैसे हमने उसके साथ किया था, PID नॉट इन. सो आपके पास अब वो बाकी के दोनों आ गए, दैट इज 101 एंड 103. ऊपर वाले को अगर आपको और से करना है तो आप और से भी कर सकते हो, इन दैट केस यू विल बी राइटिंग और PID इज इक्वल टू 104. सो सेम रिजल्ट आ रहा है. कभी कभी आप लोग क्या करते हो, उसमें क्वेरी में इंग्लिश में एंड लिखा होता है तो हम यहाँ भी एंड लिख देते हैं, पर अगर हम ऐसा करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा. दिस इज गोइंग टू गिव यू एम्प्टी सेट, क्योंकि कंडीशन दोनों ही अगर फॉल्स देंगी आपको, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो पूरा रिजल्ट फॉल्स आएगा, मतलब कुछ भी फेच नहीं होगा, सो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट एक कंडीशन ट्रू होगी, या तो PID 102 हो या 104 हो. सो वी मस्ट हैव और यहाँ पे एंड नहीं, और इसका ऑल्टरनेट क्या है कि आप इन यूज कर सकते हो दिस वे, समझ आया. सो दैट्स हाउ वी यूज इन एंड बिटवीन. सो एज यू नो दिस कोर्स इज अ सर्टिफाइड कोर्स ऑल्सो, सो इफ यू वॉन्ट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सुभाष एजुकेशनल ट्रस्ट दैट यू हैव डन द ऑनलाइन कोर्स ऑन डेटाबेस मैनेजमेंट एंड SQL, आपको हर वीडियो के नीचे जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सॉल्व करके कमेंट्स में लिखने हैं. सो दो क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं, इसके आंसर्स आप कमेंट्स में लिखोगे, एंड व्हेन द कोर्स विल बी कंप्लीट यू हैव टू गिव अ स्मॉल टेस्ट एंड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल ट्रस्ट विच इज़ नेम्ड एज सुभाष एजुकेशनल ट्रस्ट, यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनलाइन कम्प्लीशन ऑफ दिस कोर्स, राइट. सो क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज. Who earn between 30,000 to 50,000. You have to assume कि हमारे पास टेबल है M, जिसके अंदर एम्प आई डी है, एम्प्लॉय का नाम है, सैलरी है और जॉब है कि वो मैनेजर है, क्लर्क है, क्या है उसकी जॉब है. दूसरी क्वेरी आप लिखोगे डिस्प्ले list of employees who work as a clerk or an executive. So अगर उसकी job clerk या executive है तो आपको उसके record को show करना है. So इन दोनों के answer comments में लिख दो फटाफट से, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ आया है, और समझ आया है तो लाइक पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे. डू क्लिक द लाइक बटन और इसको शेयर करो जितना कर सकते हो. हेल्प मी टू रीच मैक्सिमम पीपल सो दैट आई स्टे मोटिवेटेड टू प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन ऑलवेज. एंड बाय द टाइम आई अपलोड मोर डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.